आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 15 को। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। यहाँ पर दिया हमारे पास इफ ए इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स दे के रखे, फाइंड ए इनवर्स, यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें फाइंड करना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स से ही हमें सोल्व करना है इस पूरे सिस्टम को। ठीक है, ये आपके पास दे के रखा है। अगर आप इसको डायरेक्ट इसको यूज करके करोगे, ठीक है, इसको यूज करके करोगे तो उसी तरह से क्वेश्चन होगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन खोल के दे दी है, इतनी इतनी इक्वेशन हमें यहाँ खोल के दे दी है। हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और कोफैक्टर्स इसके हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका फर्दर जो काम होगा उसको हम करेंगे, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे और ax इक्वल टू जो हमारा क्या होता है, x इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है, उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले निकाल लो आप कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे हम, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर हम आराम से यहां से निकाल सकते हैं, c11, c12, c13, यहां पर कितना आ जाएगा, c21, c22, c23, c31, c32 एंड c33। क्या करेंगे, C11 हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 टू द 4 एंड 1 फोर द 4, यानी कि ये आ गया मेरे पास 0, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास -2, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 1, ये कितना है 2 1, 2 1 का मतलब आ गया यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास -9 और यहाँ पर आ रहा है 5। C31 मेरे पास आ गया, C31 यानी कि 2, यहाँ पर आ रहा है -23 और यहाँ पर आ रहा है 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो साइंस है उनको चेंज कर लेंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, और 3 और 2 5, इसका भी साइन चेंज हो गया, 3 1 4, 3 2 5, इसका भी साइन चेंज हो गया। तो ये तो बन गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बन चुका है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखो इससे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, कोई बात नहीं, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट भी आप निकाल सकते हो। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर रखा मैंने। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले इस चीज को लिख लेना आप यहाँ पर, ठीक है, इसको आप यहाँ लिख लेना, उसके बाद इसको क्वेश्चन को करना। अब आएगा 2 इंटू, यहाँ पर आएगा -4 +4, यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू -6 +4, और यहाँ पर बचा +5 इंटू 3 -2। तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 0 बन के डायरेक्ट। ठीक है, यहां पर आ रहा है -6 और यहां पर आ रहा है 5 +5, यानी कि ये आ गया मेरे पास -1। अब हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स कितना आ गया मेरे पास, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन -1 रखूंगा मैं, और यहां पर आ गया ये 0, 2 1, -1 -9 5, 2 23 एंड 13। ठीक है, अब देखो इसको कर, इसको हम सोल्व कर लेंगे, ए इनवर्स हमें सोल्व करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। तो ए इनवर्स को जब करेंगे तो ए इनवर्स हमारे पास कितना आ गया, अब इस माइनस के साथ मैं इसको करवा रहा हूं अंदर, तो ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा और इसका -1 बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, यहाँ पर 9 बन जाएगा, यहाँ -5, -2, -23 एंड -13। तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया है इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नाउ 2x-3y +5z=11, और यहाँ पर है 3x-2y -4z=-5, यहाँ पर है x+y-2z=-3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, उसको कैसे लिख सकते हैं दोबारा से, वही लिख रहा हूँ मैं, 2 3 1 -3 -2 1 5 -4 -2, यहाँ पर आ जाएगा xyz, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 -5 एंड -3। ठीक है, इतना करने के बाद, सॉरी यार 11 है यहाँ पर, 11। ठीक है, तो ये है a, ये x=b। अब क्या करेंगे, यहाँ से x=a इनवर्स b कर लेंगे, x=a इनवर्स b। ठीक है,
अब सारा क्वेश्चन तो सॉल्व हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, सारा क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको सॉल्व। बस हमें करना क्या है कि इसको बस x इक्वल टू ए इनवर्स में हमें इसको पुट करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये x के प्लेस में, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम x y एंड z, x y z रख दिया। ए इनवर्स हमारा कितना आया है उसको हम लिख देंगे, तो ए इनवर्स हमारा आ चुका था 0, माइनस 2 आया था और यहाँ पर माइनस 1 आया था, यहाँ पर 1, 9 एंड 5, यहाँ करेंगे तो माइनस 2, माइनस 23 और यहाँ पर था माइनस 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल बन गया ना क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ तो एक्स वाई और जेड तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इक्वल टू करके इसको जब सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास ये आया, और सॉरी बी भी तो है, बी हमारे पास है 11, माइनस 5 और ये माइनस 3, इसको करेंगे तो ये तो आ गया 0, यहाँ माइनस 5 आया, ये प्लस 6 आया, माइनस 22 आया, माइनस 45 आया और प्लस 69 आया, यहाँ पर आ गया माइनस 11, माइनस 25 आया और 39 आ जाएगा, प्लस 39 आ गया, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड इसको जब सोल्व किया हमने तो यहाँ पर कितना आया, ये 11, माइनस 5 और माइनस 3, ठीक है। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और सॉरी यार मैंने इसको ही लिख दिया दोबारा, एक्स वाई जेड कितना आया हमारा, ये इसको किया ना हमने, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 और ये 3, ठीक है। तो देयर फोर कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख लो, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक्स सॉरी एलिमेंट्स, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 3। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 15। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देखो 16 क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट देके रखी है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज 90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, हमें नहीं पता कि किस किस की चीज की क्या जो है वो रेट हो सकता है, हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 16, और देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं 11 से लेकर के 16 तक, ठीक है। लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ सबसे पहले क्या है, अनियन इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ व्हीट, वो मान ली हमने वाई रुपीज, ठीक है, और लास्ट है हमें राइस की, तो राइस की कितनी मान ली, जेड रुपीज। अब हमारे पास जो है जो दिया है 4 kg, ठीक है, 4 kg अनियन, ये मैंने 4 kg अनियन लिख दिया, मैं एक्स मान लूंगा उसको क्योंकि यहां पर एक्स माना हुआ है, प्लस साथ में कितना है 3 kg जो है व्हीट है, और हमारे पास जो राइस है, प्लस राइस हमारे पास कितना है 2 kg, यानी कि 2z इक्वल टू इन सबका जो सम दिया हमें वो 60 दे के रखा है, ठीक है 60, और यहाँ पर क्या है 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90, और लास्ट में है 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, दीज इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, तो हम लिख देंगे इसको 4 2 6 3 4 2 2 6 3, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 90 70, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू बी और एक्स इनवर्स इक्वल टू, सॉरी एक्स इनवर्स नहीं यार, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमें निकालना है, ठीक है। मैंने सिर्फ इसी को कॉपी किया क्योंकि मैंने यहां से डिटर्मिनेंट भी निकाल देना और कोफैक्टर्स भी, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस एंड प्लस, देन कितना आ जाएगा, ये 4 रखा मैंने, 12 माइनस 12 आया, बीच में है माइनस तो माइनस 3 रखा, और यहाँ आया 6 माइनस 36 आया,
2, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 4 माइनस 24। अब इसको आगे करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0, यहाँ पर आ गया माइनस कितना 0 एंड प्लस 90, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास -40। तो इसको जब माइनस किया तो मेरे पास आएगा 50, यानी कि ए डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया 50। अब निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। ठीक है, तो C11 देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 4 12 माइनस 6 2 12, ये आ गया मेरे पास 0 डायरेक्ट। नेक्स्ट आ गया मेरे पास -30, और उसके बाद आ रहा है -20। C21 मेरे पास आया 5, और ये कितना आ गया भाई 0, और C23 आ रहा है -10। C31 मेरे पास आ रहा है 10, और ये 2 आया, और ये C33 बचा, तो C33 आ रहा है हमारे पास 10। ठीक है, अब साइन चेंज कर लो, इसका साइन चेंज हो गया, यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इसका साइन चेंज कर देंगे, और यहाँ पर इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स को एज इट इज 1 अपॉन 50, यहाँ पर इस कितना आया 0, 30, -20, और यहाँ पर आ रहा है -5, 0, 10, 10, -20 एंड 10। अब क्या करेंगे, लास्ट काम बचता है हमारा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स के प्लेस में रख दो एक्स वाई जेड, यहाँ पर रख दो 1 अपॉन 50, 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10, और बी मेरे पास कितना है क्वेश्चन से देखूँ तो 60 90 एंड 70, 60 90 70। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद 50 के साथ इसको पूरे को डिवाइड करवा देंगे। तो एक्स वाई जेड को तो एज इट इज लिख दो, इक्वल टू 1 अपॉन 50, और यहाँ पर इसको किया तो 0, माइनस इसको करेंगे 45, यानी कि 40 450, इसको करेंगे तो कितना आएगा 700, यानी कि +700, यहाँ किया तो 1800 प्लस 0 -1400 आ रहा है, यहाँ पर करेंगे तो 1200 आया +900 +700, और इसको जब सोल्व करेंगे एक्स वाई जेड को एज इट इज रखो, इक्वल टू 1 अपॉन 50 रखेंगे, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया 450 700, यानी कि 250, यहाँ पर कितना है 1400 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, 9 और 7 को ऐड कर दो और उसको 1200 से माइनस कर दो, 400 आ गया। ठीक है, ये आ गया 400। अब क्या करेंगे, 50 से इसको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्यों लिखें, डायरेक्ट लिखते हैं, अच्छा लिख लो कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कितना आ गया है एक्स इक्वल टू कितना आ गया 250 अपॉन 50, वाई इक्वल टू आ गया 400 अपॉन 50, एंड जेड इक्वल टू आ गया 400 अपॉन 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यह आया 8, और ये भी 8, तो x आ गया मेरे पास, देयरफॉर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8 एंड z इक्वल टू 8। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर क्या लिख सकते, कॉस्ट ऑफ लिख सकते हैं हम किसकी, मैं यहीं लिख रहा हूँ साइड में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ अनियन इक्वल टू ₹5, कॉस्ट ऑफ वीट ये आ गया हमारे पास ₹8, एंड कॉस्ट ऑफ राइस आ गई हमारे पास ये भी 8 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59 16। अब जो इसमें एग्जाम्पल नंबर 33 है, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 33, और एग्जाम्पल नंबर 33 के बाद जो है हमारा मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है, मिसलेनियस का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16।
हो सके तो प्लीज इसको ट्राई करना, अगर फिर भी आपसे ना हो पाए तो कमेंट करके बता दें, मैं इन क्वेश्चन को दोबारा इन क्वेश्चन को करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन बता देना कि ये क्वेश्चन आपने ट्राई किए या ना किए, ठीक है। ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है सेम उसी तरह से। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 15 में एक बात क्लियर कर दूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको अगर एग्जाम में आएगा तो कई बार ये चीज़ नहीं दी होगी, ठीक है। डायरेक्ट इतना इतना क्वेश्चन दिया होगा आपने, इसी क्वेश्चन से पूरे मैट्रिक्स मेथड को यूज करके इसको करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये पूरा क्वेश्चन दे के रखा था, इसलिए हमने सबसे पहले कोफैक्टर निकाले, या फिर डिटरमिनेंट निकालो कोई बात नहीं, एक ही बात है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, सिर्फ इतना इतना दिया होगा आपको, ठीक है, इतना इतना दिया होगा और बाकी यूजिंग मैट्रिक मेथड से आप इसको करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएंगे अब। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।